हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है टीचिंग ऑफ इंग्लिश को लेकर, और इंडिपेंडेंस से पहले इसकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी क्या है, चर्चा करते हैं अपने इसके ऊपर। इन फ्री इंडिया द सेम स्टेटस इज नॉट गिवन टू इंग्लिश एज इट एंजॉयड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता से पहले इंग्लिश को टीच करवाया जाता था, इंग्लिश को एंजॉय के रूप में जिस प्रकार से टीच करवाया जाता था, सेम स्टेटस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश को नहीं मिला। सेम स्टेटस जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो इंग्लिश को नहीं मिला। नाउ वी हैव इंक्लूडेड इंग्लिश इन अवर करिकुलम एज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, और आज जो है इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है एज ए लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ठीक है, या इसको अपने कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के रूप में, या सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो है वो इंग्लिश को इंक्लूड किया गया है। बट देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है विच नीड स्पेशल एफर्ट्स, जिनको किसकी आवश्यकता है, स्पेशल एफर्ट्स की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। बिफोर टेकिंग अप सच ए प्रॉब्लम्स, कि जब अपन इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करें, लेट अस डिस्कस द कंडीशन, उन कंडीशन की अंडर विच इंग्लिश इज बीइंग टॉट, कि किस कंडीशन के अंदर जो है इंग्लिश को पढ़ाई जाती है इन अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। क्लियर, अब देखिए, एवरी लैंग्वेज हैज थ्री कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता अंग। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट दो हजार वो कौन कौन से हैं, और आपको पता है कि सबसे पहले जो है किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरत किसकी है, संघ है, फिर वोकैबुलरी है, और उसके बाद में तीसरा इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है ना। पहले सबसे पहले साउंड, और साउंड के बाद में वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी के बाद में स्ट्रक्चर। अब देखिए, द कंडीशन अंडर विच इंग्लिश इज टॉट एंड लर्नड एंड द रीजन फॉर लो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन अवर स्कूल्स आर फॉलोज, कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या क्या रीजन्स है जिसके कारण इंग्लिश का जो लेवल जो है ना वो हमारा काफी लो स्टैंडर्ड का है। ठीक है, अब देखते हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या क्या इनकी जो प्रॉब्लम्स जो है वो है। इसके अंदर सबसे पहला इन्होंने दे रखा है लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल पहली बात सही है कि इंग्लिश जो है वो हमें इस प्रकार से टीच करवाई जाती है, या हम इंग्लिश को इस प्रकार से टीच करते हैं कि हमें इसको पास करना है, ओनली पास करना है। हमारे पास इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इंग्लिश को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे पास। अब देखिएगा कि, या फिर ऐसा होता है कि अपन देखते हैं ना कि यदि किसी को फॉरेन जाना है, उस वक्त वो आईएलटीएस या पीटीटी करते हैं, है ना, तो उस वक्त इसकी जरूरत है हमें, बट जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं उस वक्त हमारे पास कोई भी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना इंग्लिश का है, ना हिंदी का है, ना मैथ का है, ना साइंस का है। और जब भी हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो या कोई एग्जाम देना हो तो हमें अलग से कोचिंग लेना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने जो 12 साल या बीए तक जो किया वो किसी काम का नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो हमें पढ़ाया गया उस वक्त हमें उसके कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं बताए गए और नहीं उनका कुछ वो था। अब देखिए, सबसे पहला है लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कट नहीं है। द टीचर डज नॉट नो, टीचर नहीं जानता, और बोदर, बोदर का मतलब होता बोदर, बोदर नहीं बोलोगे, बोदर का मतलब होता कष्ट उठाना, बोदर टू क्लैरिफाई द एम्स, और नहीं टीचर कष्ट उठाना चाहता है कि उन एम्स को क्लैरिफाई किया जाए। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, पुपिल्स लर्न इट जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, कि स्टूडेंट क्यों पढ़ते हैं, कि सिर्फ एग्जाम को क्या करना है, पास करना है। द रियल पर्पज, द रियल पर्पज एंड एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर मिसिंग, क्या है जो रियल पर्पज और एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है वो क्या हो रहा है, आज मिसिंग हो रहा है।
The teacher, parents, and the students are ignorant about these. जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी के सभी क्या इग्नोरेंट है अबाउट दीज. किसके अबाउट दीज मींस क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के. द टीचिंग ऑफ इंग्लिश रिमेन पर्पजलेस. और इंग्लिश जो है ना वो क्या है, पर्पजलेस है. क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट प्रीडिटरमाइंड नहीं किए जाते, पूर्व प्लानिंग उसकी कोई नहीं होती. हेंस स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड स्पीक रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश. जिसकी वजह से जो स्टूडेंट जो है ना वो ना तो समझ पाता है, ना वो स्पीक कर पाता है, ना वो रीड कर पाता है राइट करेक्ट इंग्लिश. और उसके बाद में नेक्स्ट आता है लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर. देखिए इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, कि लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर कहीं ना कहीं इसकी जो है इंडिया के अंदर कमी है, नो डाउट. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि टीचर है ही नहीं, बहुत है, लेकिन हमारे लेवल के लिए जो है वो उनके लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स हैं. देयर आर वेरी फ्यू क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर्स. दे हैव नो कमांड आवर लैंग्वेज. उनकी लैंग्वेज के ऊपर कोई कमांड नहीं है. मैनी टीचर्स इन स्कूल्स हु आर टीचिंग इंग्लिश नाइदर नो इनफ इंग्लिश, न तो उनको इतनी इंग्लिश आती है, और न ही नोर आर फैमिलियर विद द लेटेस्ट एंड फार रीचिंग डेवलपमेंट इन इंग्लिश. और इंग्लिश के अंदर जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं या जो रिसेंटली जो अप्रोचेज जो हैं वो लेटेस्ट जो अप्रोचेज जो आई हैं उनके बारे में वो क्या होता है, अनफेमिलियर होता है, इग्नोरेंट होता है. As such, they lack the techniques of teaching foreign language. और उनके अंदर जो कमी होती है ना वो कमी किस चीज की पाई जाती है, techniques of teaching foreign language. Techniques के अंदर किसका यूज करते हैं अपन, कि टेक्निक के अंदर ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लिंगुआ लैब है उनकी. Their knowledge of English is inadequate, अपर्याप्त होता है, sufficient नहीं होता. एंड प्रोनंसिएशन इज फॉल्टी. और प्रोनंसिएशन जो होता है उनका काफी फॉल्टी होता है, ठीक है. और इसका फॉल्टी होने के पीछे रीजन क्या है, रीजनल स्पीच हैबिट इन्फ्लुएंस इंग्लिश प्रोनंसिएशन. देखिए जो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है ना मातृभाषा, वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जब आप सीखोगे ना तो उसके अंदर उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है. अभी मैं यहाँ किसी की चर्चा नहीं करने वाला, लेकिन आपको मैंने एक इंटरव्यू देखा था और वो उसके अंदर वो जो पर्सन जो है वो कह रहा था कि आई सिलेक्टेड इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, ठीक है, हाँ फर्स्ट ग्रेड. अब देखिए उसने फर्स्ट ग्रेड बोला है ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट बोलने के पीछे रीजन ये है कि उसकी जो मारवाड़ी जो टोन जो है ना उस इंग्लिश के अंदर आ रही है, रीजनल स्पीच जो है, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है ना, प्रोनंसिएशन उसका कैसा होना चाहिए, और वो उसका प्रोनंसिएशन क्या है, फिस्ट, ठीक है. तो जो रीजनल स्पीच हैबिट जो है ना वो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर अपना इन्फ्लुएंस डाल देती है. फोनेटिक के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहां अपने वर्ड लिखे, मैंने लिखा SAID. अब इसका प्रोनंसिएशन की बात करें तो साइड है इसका ओरिजिनल प्रोनंसिएशन, है ना, साइड. लेकिन उसके ऊपर भी अपन चर्चा की थी कि जो मदर टंग जो है ना वो इफेक्ट डालती है इसके अंदर. इफेक्ट कैसे डालेगी, कि जो एक मारवाड़ी लेक्चर जो मारवाड़ी लैंग्वेज से जो बिलोंग करता है ना वो इसको सेड प्रोनंसिएशन करते हैं मोस्टली स्टूडेंट जो है, सेड, है ना. पंजाबी वाले क्या कहेंगे, सैड, है ना. जो मदर टंग है वो क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है. तो ना तो ये सेड है और ना ये साइड है. उसी प्रकार से जब उन्होंने कहा फर्स्ट, है ना, तो ये फर्स्ट ना होकर क्या है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, है ना. इसको जैसे बोलते हैं ना रेड, नॉट ए रेड, रेड, है ना, पेन, नॉट ए पेन, पेन. तो ये जो है बेड, BED, बेड, है ना, तो नॉट ए बेड, बैड,
है ना, बैड भी नहीं है, बैड है, बैड। तो ये जो चीजें जो आती है ये क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी जो मदर टंग जो है ना उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे रहता है, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, तीसरा इसके अंदर आता ओवरक्राउडेड क्लासेस, ओवरक्राउडेड क्लासेस। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि ओवरक्राउडेड क्लासेस है, और ओवरक्राउडेड क्लासेस है इसलिए इंडिविजुअली अटेंशन जो है ना वो स्टूडेंट के ऊपर नहीं दे पाता टीचर, करे भी तो क्या करे, है ना। तो इंडिविजुअली जो उस उन स्टूडेंट को जो चाहिए, इंडिविजुअली जो अटेंशन चाहिए वो टीचर नहीं दे पाता। किसकी वजह से नहीं दे पाता, क्योंकि क्लासेस का जो क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, ओवरक्राउडेड क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखिएगा ओवरक्राउडेड क्लासेस, ओवरक्राउडेड क्लासेस इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन अवर स्कूल्स, इंडिविजुअल अटेंशन इज नॉट पॉसिबल, लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स इंडिविजुअल ड्रिल वर्क। और किसी भी लैंग्वेज लर्निंग की जब अपन बात करें ना, तो लैंग्वेज लर्निंग जो है उसको किस चीज की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड इंडिविजुअल ड्रिल वर्क एंड करेक्शन विच इज पॉसिबल इन स्मॉल क्लासेस, ठीक है। और जो करेक्शन वर्क का जो काम है ना वो कब टीचर अच्छे से कर पाएगा, जब जो क्लास का जो साइज है वो बहुत कम होगा, ठीक है। ओवर क्राउडेड क्लासेज है तो टीचर करेक्शन का वर्क जो है वो कर ही नहीं पाएगा। देयरफॉर इंग्लिश क्लास शुड हैव ए रूम ऑफ इट्स ओवन, और इंग्लिश क्लास के लिए उसका खुद का एक क्लासरूम होना चाहिए जिसके अंदर चार्ट है, पिक्चर्स है ना, टेप रिकॉर्डर्स है, कंप्यूटर्स हैं, स्लाइड्स हैं, ग्रामोफोन्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर चाहे राउंड टेबल हो या ट्रायंगल टेबल हो, इस प्रकार की कुछ क्लास होनी चाहिए ताकि वो आपस में डिस्कशन कर सकें। लेकिन यदि अपन राजस्थान के अंदर बात करें तो बाड़मेर साइड है ना, या जोधपुर साइड के अंदर तो प्रॉपर क्लासेस ही नहीं है, टीचर्स जो है वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर उनको टीच करवा रहे हैं, है ना। तो जब हमारे पास प्रॉपर क्लासेस क्लासरूम नहीं है तो टीचर कैसे पढ़ा पाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, इंग्लिश क्लास शुड हैव ए रूम ऑफ इट्स वेयर द पीपल कैन मूव अबाउट फ्रॉम देमसेल्व्स इन ट्रायंगल सर्कल एंड लाइंस एंड स्पीक टू ईच अदर, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। उसके बाद में आता है चौथा, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब क्या है डिफेक्टिव मेथड्स, देखिए एफ जी फ्रेंच, ध्यान रखना, एफ जी फ्रेंच परमिट्स द यूज ऑफ मदर टंग फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स जो है वो हमारे सिलेबस की बुक से लिया गया है और चांसेस ज्यादा बनते हैं कि ये पूछ लिया जाए कि कौन सा वो राइटर है, विच राइटर परमिट्स द यूज ऑफ मदर टंग फॉर एक्सप्लेनिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, है ना। एफ जी फ्रेंच, प्रोवाइडेड वी गेट बैक, ठीक है, प्रोवाइडेड वी गेट बैक इन टू इंग्लिश एज क्विकली एज पॉसिबल। इन्होंने क्या कहा है कि यदि आप इंग्लिश टीच करवा रहे हो तो मदर टंग को परमिट कीजिए, और मदर टंग को परमिट किसके अंदर करना है, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और उसके तुरंत बाद जो है ना वापिस आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ जाओ क्विकली, न कि आप फ्लो फ्लो के अंदर वो मारवाड़ी के अंदर ही चल दो या हिंदी के अंदर ही चल दो, बट इन अवर स्कूल दिस मेथड इज नेवर फॉलोड। The method commonly followed in our school is translation grammar method. कौन सा follow किया जाता है? Grammar translation method जो है उसको follow किया जाता है, which are very faulty. Oral work is not done and is ignored. और जो oral work जो है वो क्या है? Is not done. यानी कि speaking के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है, ओरल वर्क को। अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी कि ये बात ध्यान में रखना कि ए यू आर ए एल
आर ए एल ओरल, इसका मतलब किससे है? स्पीकिंग से है, सॉरी इसका मतलब लिसनिंग से है। और दूसरे वाला जो ओरल है ओ आर एल ओरल, और इस ओरल का मतलब है स्पीकिंग से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो स्पीकिंग जो है ना, ओरल वर्क जो है इज नॉट डन एंड इज इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया जाता है। द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू हियर और स्पीक द लैंग्वेज। ठीक है, स्टूडेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो उसको सुन सके या स्पीक कर सके। टीचर डू नॉट नो द रियल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और टीचर जानता ही नहीं है रियल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के। टीचर वेस्ट देयर टाइम बाई टीचिंग ग्रामर, टीचर अपना टाइम किस में वेस्ट करता है? टीचिंग ऑफ ग्रामर में। अनड्यू एम्फसाइज ऑन ग्रामर, ग्रामर डज नॉट डेवलप द फोर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि आप अत्यधिक मात्रा के अंदर, अत्यधिक अनड्यू अत्यधिक अधिक एम्फसाइज प्रेशर देना ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर, ठीक है, डज नॉट डेवलप द फोर बेसिक स्किल्स, फोर बेसिक स्किल्स को वो डेवलप नहीं कर सकती ग्रामर जो है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, किसके अंदर? लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपना पांचवा टॉपिक आता है लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, और इसकी अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर तो प्रॉपर क्लासेस नहीं है, है ना, तो टीचर को तो ऑडियो विजुअल एड्स मिलना कहां पॉसिबल है, तो लैक ऑफ है, लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल है, बट देयर इज कंप्लीट डर्थ ऑफ इवन सिंपल विजुअल एड्स लाइक कार्ड्स पिक्चर इन अवर स्कूल्स। देखिए, बट देयर इज कंप्लीटली डर्थ, डर्थ का मतलब है कमी है, ठीक है, या इग्नोर्ड है, ऑफ इवन सिंपल, यहां तक कि सिंपल विजुअल एड्स लाइक फ्लैश कार्ड्स है, पिक्चर है, और हमारे स्कूल के अंदर वो नहीं है। लीव अलोन टेप रिकॉर्डर्स, लिंगवा फोन एंड फिल्म स्ट्रिप एक्सेट्रा विच आर बेयर मिनिमम रिक्वायर टू लर्न इंग्लिश, ये क्या है कि मिनिमम, कम से कम इन चीजों की हमें आवश्यकता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, इससे कम हम नहीं जा सकते। हमारे पास टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन तो कम से कम होने चाहिए, फिल्म स्ट्रिप वगैरह इफ पॉसिबल। टेप रिकॉर्डर एंड लिंगवा फोन शुड बी यूज टू इम्प्रूव प्रोनंसिएशन एंड स्पोकन इंग्लिश, और जब किसी भी स्टूडेंट के प्रोनंसिएशन की इम्प्रूव की बात करें, है ना, स्पोकन इंग्लिश की बात करें, तो उसके अंदर यदि पॉसिबल हो सके तो टेप रिकॉर्डर और लिंगवा फोन का क्या है, यूज करना चाहिए। बट टीचर्स हार्डली, देखिए हार्डली एडवर्ब यूज किया, बड़ी मुश्किल से ही, टेक पेन टू मेक देयर टीचिंग इंटरेस्टिंग बाई यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स, ठीक है, तो यहां यहां जो टीचर जो है ना वो भी क्या करता है, बड़ी मुश्किल से इतना दर्द उठा पाता है कि वो इंटरेस्टिंग टीचिकल जो एड्स जो है उनका वो क्या कर सके, यूज कर सके। गया, बुक उठाई, लेसन रीड करवाया, काम खत्म, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने को दे दिए स्टूडेंट्स को, कर लाए, दूसरे दिन टिक लगाते हुए सिग्नेचर कर दिए, लेसन कंप्लीट, है ना। उसके बाद में डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, और ये भी बिल्कुल सही है, डिफेक्टिव है कि हमें 36 नंबर चाहिए, स्टोरी याद कर ली, एप्लीकेशन याद कर लिया, है ना, एक पैराग्राफ याद कर लिया और लिख दिया, एक दो क्वेश्चन आंसर लिख दिए, चलो जी 36 नंबर कंप्लीट हुए, पास हुए, पिक्चर छूटा, है ना। तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारे से, जो ओरल वर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। तो देखिए, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश इज डिफेक्टिव, क्या है, इट पुट्स ए लॉट ऑफ एम्फसाइज ऑन रॉट लर्निंग रेदर देन मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, रट्टे पे रट्टा मारना है, जिन चीजों का रट्टा मार के एग्जाम को पास करना है। देर इज नो एग्जामिनेशन इन ओरल और स्पोकन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी, यदि हम वोकैबुलरी की बात करें या ओरल स्पोकन की बात करें, ओरल की बात करें या स्पोकन की बात करें, टोटली नेग्लेक्टेड है। द स्टूडेंट डिवोट मोर टाइम
in memorizing words, idioms, phrases, sentences, compositions, and later to pass their exams. And letters, composition है, letters है, sentences है, phrases है, idioms है, words है, इनको याद करते हैं और exam को क्या करते हैं, pass करते हैं. Lack of proper supervision, ये भी बहुत बड़ी बात है. Lack of proper supervision. देखिएगा, lack of proper supervision. Proper supervision and guidance is necessary to improve teaching. कि teaching को improve करने के लिए supervision है, guidance जो है वो necessary है. But in the inspection and supervisory staff of education department. देखिए कितनी बड़ी बात है कि education department का जो supervisory या inspection का जो staff जो है are far from qualified to improve teaching standard in English. Qualified ही नहीं है. Most of them are totally unaware. उनमें से बहुत सारे जो लोग जो हैं, टोटली जो है ना, वो है अनअवेयर ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश. कि इंग्लिश के अंदर जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो नई अप्रोचेज जो आई हैं, उनके बारे में वो क्या है, अनअवेयर है ना. मैनी ऑफ देम वर ट्रेन्ड थ्रू ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स. और उनके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो कैसे ट्रेंड हुए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू. ठीक है. नेगलेक्ट ऑफ करेक्शन वर्क, देखिए ये तो बिल्कुल पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि जब ओवर क्राउडेड क्लासेज है और ओवर क्राउडेड क्लासेज के अंदर जो करेक्शन वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए जो क्लास की जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो लिमिट होने चाहिए. ठीक है. The exercise book of student lack in suggestive correction. The exercise book of student lack in suggestive correction. है ना, कि कहाँ कहाँ आपकी mistake है, उसके अंदर suggestion जो है हम नहीं दे पाते. All the exercise of student should be corrected carefully. हालांकि जो उसकी exercise जो है student की, उसको correctly, carefully, thoroughly. All the exercise of student should be corrected carefully and thoroughly. कि जो students की जो exercise book जो है उसको correctly, carefully और बड़े ही गहन तरीके से उसको check करना चाहिए. But होता क्या, overcrowded classes के अंदर जो है ना, सिर्फ अपने tick लगाना और signature के अलावा कोई काम नहीं हो पाता. ठीक है. और न ही कोई इतनी मेहनत करना चाहता है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर जगह overcrowded classes है, नहीं भी है तो भी जो टीचर्स का जो हालात है वो यही है. ठीक है. क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते. खैर, द करेक्ट फॉर्म ऑफ मिस्टेक मस्ट बी पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट. कि जो भी उनकी जो मिस्टेक्स जो है ना, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए. उसके बाद में पेरेंट्स इंटरफेरेंस. If a teacher trained in a new methods of teaching tries to teach English through a modern and latest approach, और यदि कोई टीचर जो है ना वो पढ़ाने की कोशिश भी करता है, ठीक है, modern और latest approach के जरिए, the parents interfere with him. तो parents का जो interfere है ना वो बहुत अधिक होता है, खास करके private schools के अंदर. तो हर कोई चला जाता है, मैडम जी ये नहीं करवाया, सर आपने ये नहीं करवाया, ये आपने क्या करवा दिया. तो इंटरफेयर जो पेरेंट्स का है वो कहीं ना कहीं जो है वो टीचर को डिमोटिवेट भी कर देता है. द पेरेंट्स हैव बीन टॉट बाय द ओल्ड मेथड्स. पेरेंट्स जो है वो कैसे बड़े हुए हैं, ओल्ड मेथड से. वॉन्ट टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड ऑन द सेम पैटर्न. और उसी तरीके से, उसी पैटर्न से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं. दे मेजर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय ट्रांसलेशन एक्सरसाइज. और वो अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस को जो मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के जरिए. एंड ग्रामर लेसन डन बाय देम. और जो ग्रामर के लेसन उनके द्वारा किए गए हैं. दे क्रिटिसाइज द टीचर्स वर्क. पहले एक बात कर चुके हैं कि वो टीचर्स के वर्क को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं.
देखिए दो बातें होती है, एक तो जब भी आप किसी भी टीचर से स्कूल के अंदर मीटिंग में जाते हो, पेरेंट्स मीटिंग है या कोई और मैटर है, तो उसमें दो बातें ध्यान में रखनी होती है कि आप अपने आप को, ठीक है टीचर से मिस्टेक हुआ है एक अलग बात है, अपने आप को कभी भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करें कि हमें बहुत कुछ आता है ना, कि जो स्टडी जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए नहीं होती, किसी के साथ बहस करने के लिए या अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूं उसके लिए नहीं है। हाँ हो सकता है बाय मिस्टेक टीचर से कुछ गलत लिखवा दिया गया, गलत चेक हो गया, तो उसके अंदर भी बात करने का कभी होता है कि जी मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा वे ऑफ जो हमारा टॉकिंग जो है वो पॉजिटिव हो तो टीचर को इतना वो फील नहीं होता। एक जाते ही आप कह देते हो जी हाँ जी मास्टर ने कर दो बार ओके करवा दियो के सिखाने लग रहे हो, तो ये जो मैथ ये जो तरीके जो होते हैं ये किसी भी टीचर को है ना उसको मोटिवेट नहीं करते। ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया तो उसकी प्रेज नहीं करनी हमें क्योंकि जी हमारा बच्चा ही इतना इंटेलिजेंट था कि नंबर तो आने ही थे, और यदि बच्चा फेल हो गया तो जी मास्टर जी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ठीक है बच्चे करे क्या। तो दोनों तरफ ही टीचर को है ना वो हम प्रेज नहीं करते, तो क्रिटिसाइज जो है वो थोड़ा गलत रह जाता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना अनस्यूटेबल टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक जो है वो अनस्यूटेबल है। ठीक है तो देखिएगा अनस्यूटेबल टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक विच आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स आर नॉट सूटेबल एंड अट्रैक्टिव, ना तो वो सूटेबल है ना ही वो अट्रैक्टिव है। स्टूडेंट रीड इट ओनली टू पास द एग्जाम, द टॉपिक विच आर इन द सिलेबस डू नॉट गिव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो स्टूडेंट को नहीं दे पाती। प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स उसके अंदर जो भी मैटर है वो हमारी रियल लाइफ के साथ कंसर्न नहीं हो पाता। वट एवर द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक दे डोंट यूज इट इन देयर डे टू डे लाइफ, आगे ना वही बात है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उसका यूज नहीं कर सकते। अगेन ऑरल वर्क इज वेरी मच नेग्लेक्टेड, और दोबारा से फिर जो है ऑरल वर्क जो है वो क्या हो जाता है हमारा नेग्लेक्टेड हो जाता है। उसके बाद में सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देखिए कोठारी आयोग सभी को पता है, और वो कोठारी आयोग ने कौन कौन से सजेशन दिए हैं इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया को लेकर, जिसकी चर्चा अपने कल वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।